हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी को पता है मेरे चैनल का नाम है सुपर मॉम प्रियंका। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और आज डेट है 18 सितंबर। तो आज हम जा रहे हैं सागरदी से बाकुड़ा, बाकुड़ा जहाँ पे मेरा ससुराल है, मेरा घर है। तो आज हम वहाँ जा रहे हैं बाई कार। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे टाउनशिप से बाहर, मैंने आपको बोला था गांव टाइप का लोकेशन है, तो थोड़ा बहुत मैं कैप्चर कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं और यहाँ पे बहुत अच्छे से धान के खेत लगे हुए हैं, ग्रीन व्यू है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है जाने में। सुबह का वेदर बहुत ही ठंडा, क्योंकि कल रात को बारिश हुई थी, और बहुत अच्छा वेदर है। तो अभी बारिश, हम जहाँ पहुँचे हैं यहाँ पर बारिश होनी शुरू हो चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहले भी लगता है, थोड़ी देर पहले भी बारिश हुई है और अभी भी बारिश हो रही है। तो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से बाकुड़ा जाने में लगभग 5-6 घंटे लग जाते हैं। बट आज का बहुत अच्छा है, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा नहीं मिल रहा है, नहीं तो यहाँ पर ट्रक बहुत ज़्यादा चलते हैं, जिस वजह से ट्रक की लाइन लगी रहती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा जैम भी पड़ जाता है। और ये रही मैं और मेरे हबी, और श्री तो सो चुकी है, तो उसे पीछे वाली सीट में, बैक सीट में से सुला दिया है। और ये रहा बाहर का व्यू, बारिश वाला व्यू। शुभ महालय टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स। तो आज महालय है, यानी कि 19 सितंबर। तो कल मैंने ब्लॉग और नहीं बनाया, क्योंकि कल हम जब पहुँचे थे उसके बाद बहुत टायर्ड हो गए थे और सो गए थे। तो आप ये सब चीज़ें देख रहे हैं, ये सब अरेंजमेंट हो रहा है हमारे यहाँ पे भोग का, यानी कि आज हमारे यहाँ पर सत्संग का अरेंजमेंट है और यहाँ पर भोग की प्रिपरेशन चल रही है। तो घर में हम 4 मेम्बर्स हैं, तो हम सभी ने एक एक काम पकड़ लिया है और सभी काम कर रहे हैं। ये रही मैंने कुकुम्बर जितने भी थे, कम से कम 15 से 16 किलो का कुकुम्बर था, मैंने सब उसको पील ऑफ किया एंड कटिंग किया है। और बाद बाकी भोग जो बना हुआ है ये कंप्लीट बन चुका है, और इसे इन एल्यूमिनियम के बाल्टियों में ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है, जिससे कि जब भोग को दिया जाएगा तो सुविधा होगी, इस बाल्टी से देने में सुविधा होगी। तो मेरी हबी और मेरी मदर इन लॉ दोनों बाल्टी में इन्हें ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये रही वो जगह जहाँ पर सत्संग होगा, और हमने यहाँ पे श्री अंगुकुल ठाकुर की फ़ोटोज़ रखी हुई है, उन्हें सजा दिया है, और थोड़े बहुत डेकोरेशन और नीचे चादरों को बिछाना बाकी है, मतलब मैट बिछाना बाकी है, बाद बाकी सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। और हेलो फ्रेंड्स, तो आज है महालय। तो हमारे यहाँ पे महालय के दिन हमेशा अनुकूल ठाकुर का सत्संग रहता है, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और हमारे छत में अनुकूल ठाकुर का सत्संग चल रहा है। तो मुझे लगा आप सबको अपडेट देती रहूँ, तो और भी आपसे बहुत सारी बात करनी है। तो सबसे पहले चलो चलते हैं सत्संग के वहाँ पर, थोड़ी देर वहाँ बिताते हैं, देन मैं आपसे बात करती हूँ बाद में। सो अभी सत्संग चल रहा है, तो मैं बीच में आ गई हूँ, क्योंकि श्री अभी भी सो रही है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और हमारा सत्संग शुरू हुआ था 8:30 से, तो आधा घंटा मैं ऊपर ही थी, उसके बाद मैं आ चुकी हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या बना है। वैसे तो मैंने थोड़े बहुत क्लिप दिए हैं पहले, मैं डाल दूँगी। तो मैं अभी जस्ट सबको दिखाती हूँ कि मेरी मदर इन लॉ क्या कर रही है और क्या माहौल है। तो चलो, और श्री को मैं दिखाती हूँ, सो रही है। तो ये रही श्री, वो भी सो रही है। तो चलो वो सो, क्योंकि कल रात को अरेंजमेंट करते करते बहुत देरी हो गई थी और वो भी हमारे साथ ही जगी हुई थी, तो इसलिए हम तो बड़े हैं, हम तो उठ गए, बट वो तो सो ही जा रही है। तो चलो अब मैं दिखाती हूँ कि मेरी मदर इन लॉ क्या कर रही है।
तो ये रहे सारे कुकुम्बर जो मैंने कटिंग करके रख दिए हैं और गर्मा गर्म भजिया बन रही है। ये है कुम्बड़े की भजिया यानी कि कद्दू की भजिया बन रही है। तो हमारे यहाँ की एक आंटी है वो भजिया बना रही है हमारी हेल्प करने के लिए। और मीठी बूंदे का भी अरेंजमेंट किया गया है, पेट भर के बूंदे भी खिलाए जाएंगे। तो ये रहा बूंदे, मीठी बूंदे। तो आपने देखा कि हमने कितना सारा अरेंजमेंट किया है। एक्चुअली अरेंजमेंट हमें खुद ही करना पड़ा, हमने जिस इंसान को रखा था मतलब कि जो कुक आने वाला था बनाने के लिए, तो वो बीमार पड़ गया। तो उसने सुबह सुबह हमें बताया कि वो नहीं आ सकता, तो इसलिए हमें सुबह सुबह सब कुछ अरेंजमेंट करना पड़ा। तो आपको हम घर में बस 4 मेम्बर्स हैं, तो हम सभी ने मिल के सब कुछ बनाया है। और होपली फिंगर क्रॉस्ड कि सब कुछ ठीक से हो जाए। और बहुत सारे लोग आए हुए हैं कि जैसे सब कुछ अरेंजमेंट ठीक से हो जाए। एक्चुअली इतने ज़्यादा लोग आए हैं कि मतलब अरेंजमेंट ठीक होने से और भगवान की कृपा रही तो सब कुछ ठीक ही होगा। तो चलो मैं चलती हूँ ऊपर फिर से, और देन फिर आपसे बाद में मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स फिर से मैं नीचे आई हूँ श्री को रेडी करने के लिए। वो सो तो रुक चुकी है, तो मैंने उसे रेडी कर लिया है। तो मैं श्री को दिखा दी। श्री गुड मॉर्निंग बोला था। आप देखा तुम्हारा ड्रेस तो देखी ना तो कैमन। तो मैंने उसे ये वाला ड्रेस पहनाया, ये भी उसका पूजा का एक ड्रेस है। देखा हाथ तो देखा। तो ये रही। तो अब मैं उसको ऊपर लेके जाती हूँ, उसे प्रणाम करवाती हूँ और बस आपसे थोड़ी देर बाद में। तो बारिश शुरू हो गई है, तो अचानक से बारिश होने लग गई। लग रहा था बारिश होगी बट इतनी ज़ोरों से बारिश होगी ये पता नहीं था। देखते हैं कितनी देर बारिश चलती है। तो अभी मैं नीचे आई हूँ देखने के लिए कि कोई जगह कहीं खिड़कियाँ खुली है या भीग रहा है तो नहीं है। तो अभी बारिश शुरू हो गई है तो मुझे लगा मैं नीचे आ जाती हूँ, अगर मैं देखती हूँ और कहीं मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़े तो मैं सोचती हूँ उनकी हेल्प कर दूँ। और ऊपर अभी बारिश हो रही है, पता नहीं क्या होगा। और खाने का अरेंजमेंट भी ऊपर ही था, तो देखते हैं। जब भंडारा खिलाया जा रहा था तब बारिश बंद हो गई थी, तो बहुत ही अच्छा रहा। क्योंकि अगर बारिश रहती तो बहुत गड़बड़ी हो जाती, खिलाने में प्रॉब्लम आ जाती। वैसे तो हमारे छत के ऊपर शेल्टर लगा हुआ है, बट पूरे छत में शेल्टर नहीं है टिन का, बस थोड़े से पोर्शन पे है, आधे पोर्शन पे ही शेल्टर है। जिस वजह से प्रॉब्लम आ रही थी कि अगर बारिश होती तो बारिश के छींटे आ सकते थे, बट बारिश बंद हो गई और सब कुछ अच्छे से चल गया। और हमारे यहाँ पर डाइनिंग प्लेस में भी बहुत सारी लेडीज़ स्पेशल लेडीज़ जो बच गई थी खाने के लिए बच गई थी, वो लोग वहाँ पे बैठ गए, तो बहुत इंजॉयबल रहा। तो अभी बज रहे हैं 10:30 और लगभग सभी का खाना हो चुका है और बस 15-20 जन बचे हैं। उनके खाना होने के बाद हम खाना शुरू करेंगे। तो बस यही है। और श्री को मैं लेके आई हूँ। श्री बोल रही थी ब्रेड खाएगी, तो मैंने ब्रेड बना दिया है, बट वो तो कह रही है ब्रेड नहीं खाना है, पता नहीं वो क्या करेगी। तो श्री बोल रही को दिख रहा होगा होगी श्री, तो उसे बुला रही हूँ बट वो सुन नहीं रही है। तो चलो देखते हैं। तो अभी फाइनली हमने सब ने हमारा मतलब सुबह का प्रसाद यानी कि हमने जो प्रसाद रखा था वो हमने खा लिया है। हमारा खाना कंप्लीट हो चुका है और अभी बज रहे हैं सुबह के 11:15। और श्री रही ये रही बैठी हुई है यहाँ पर, वो उसने तो कुछ भी नहीं खाया। एक्चुअली हमने मिर्च डाल दिया था खाने में और उसने तो वो तो मिर्च नहीं खाती है, तो देन हमने अलग से उसके लिए बनाया बट उसने वो भी नहीं खाया। फिर बोलती है कि ब्रेड खाना है तो ब्रेड बना के दिया तो भी नहीं खाना उसे, तो पता नहीं अब उसने कुछ खाया नहीं वैसे, तो यही चिंता है। तो देखते हैं उसके लिए कुछ अगर मैं बना सकी तो सूजी अगर मैं बना सकी या उसको मिल्क ही दे दूँगी, तो यही सोचा है। और बाहर का वेदर ऐसा हो रहा है कि जैसे बारिश हो जाए, तो आज का वेदर चलो थोड़ी सी बारिश हुई थी उसके बाद ठीक हो गया, तो इसमें मुझे बहुत अच्छी खुशी हुई है। और चलो अब मैं ड्रेस चेंज कर लेती हूँ और टायर्ड भी लग रहा है, तो आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड।
जब सत्संग पूरा कंप्लीट हो गया देन मैंने अपने हबी को बोला कि ज़रा मुझे दिखा दो मैंने क्या साड़ी पहना है, क्योंकि नहीं तो आप सब मुझे कंप्लेन करते हो कि आपने अपना ड्रेस नहीं दिखाया। इसीलिए मैंने दिखा दिया कि मैंने क्या पहना था। तो मैंने ये एक ब्राउन कलर की साड़ी पहनी है विथ गोल्डन बॉर्डर और बहुत ही जरी का काम कर रखा है, और ये एक तात की साड़ी है, बंगाली तात की साड़ी है, तो मैंने ये पहना है और पर्ल सेट पहना है। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:30 और हमने लंच कर लिया है, और आप देखिए बारिश शुरू हो चुकी है, तो आज लगता है पूरा दिन ही बारिश होगी, बंद होगी, इसी टाइप का रहेगा। तो बस मैं यहीं पे अपना ब्लॉग भी ख़त्म कर देती हूँ। होप आपने इन्जॉय किया होगा, अगर इन्जॉय किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।